जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ जारी इस ऑपरेशन को 110 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। इस बीच एनकाउंटर को लेकर जम्मू कश्मीर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों का बयान सामने आ गया, जिसमें कहा गया कि आतंकवादियों को एक गुफा के पास इलाके में घेर लिया गया है। ड्रोन कैमरे से दो आतंकियों की गतिविधि साफ देखी जा रही है। ये दोनों आतंकवादी अभी भी जीवित या घायल हैं और सेना इन आतंकियों की गोलीबारी का जवाब दे रही है। अब इस बयान के बीच एक ऐसी खबर आई जिसके बाद यकीनन पाकिस्तान में पले आतंकी जीवन में भारत में नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि अब एक दो नहीं बल्कि कुल 28 आतंकियों का इलाज करने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। ये सब तब हो रहा जब एनकाउंटर के पहले दिन 4 जवान शहीद हो गए थे। 3 जवान सेना से थे, जिसमें मेजर और कर्नल भी शामिल थे। वही जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस इतने गुस्से में है कि अब फंस चुके आतंकवादियों के OGW नेटवर्क को खंगालने में लगी हुई है। सुरक्षा बलों की एक दूसरी टीम अनंतनाग और कुलगाम में कुल 28 आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। इन 28 आतंकियों में से 16 आतंकी स्थानीय हैं, इसमें 11 हिजबुल मुजाहिदीन के और 7 लश्करे तैयबा के आतंकी हैं, वहीं 12 पाकिस्तानी आतंकी भी इसमें शामिल हैं। इन आतंकियों की तलाश जारी है जो अनंतनाग और कुलगाम में छिपे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों ने इंडिया टुडे को जानकारी दी है कि इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में लगभग 40 आतंकी सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बने हैं। इनमें से 30 विदेशी यानी पाकिस्तान से आए थे और बाकी स्थानीय थे। इनमें से ज्यादातर आतंकियों को रजौरी और पुंछ जिले के जंगलों में ढेर किया गया है, जहां भारी संख्या में प्राकृतिक गुफाएं हैं। यहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया जा चुके हैं। वैसे जिस तरह से इन सब हमलों में पाकिस्तान का नाम आ रहा और इसके बाद यकीनन ये तय करना पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगा कि क्या उसका अस्तित्व बचेगा, क्योंकि एक तरफ भारत की गद्दी पर दुनिया का सबसे बड़ा लीडर यानी PM नरेंद्र मोदी हैं, जो पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ने की मूड में नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय सेना है जो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने को तैयार बैठी है। खैर, इन 28 आतंकियों का इलाज तो अब पक्का है, लेकिन देखना यह होगा कि किस हद तक पाकिस्तान और गिरेगा और कहां कहां दौड़ा दौड़ा कर ठोके जाएंगे पाकिस्तान के ये पालतू आतंकी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।